मिर्जा मलिक, शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी मनसूख, कतर एयरवेज की परवाज 629 से नवाज शरीफ के टिकट कैंसिल कर दी गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर बदस्तूर मौजूद, हुकूमत कोई फैसला ना कर सकी। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि नाजायज हुकूमत के खिलाफ फिल्म बगावत बुलंद किया, किसी को जमहूरियत और मईशत से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। आजादी मार्च की शुरुआत से हिताब, कहा फाता को 1000 अरब देने का वादा करके एक पैसा नहीं दिया गया, हमने हुकूमत का गुरूर हाथ में मिला दिया। हुक्मरान जिल्लत और रसवाई के साथ कुर्सी पर बैठे हैं, हुक्मरानों को कौम का मुतालिबा तस्लीम करना होगा। इनारों देकर मुआशरे का बेड़ा गर्क कर दिया गया, रहम कमजोर और गरीब तबके के लिए होता है, मुल्क लूटने वालों पर रहम और उन्हें माफ नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस्लामाबाद में इंटरनेशनल रहमतुल्लिलआलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले रियासत मदीना पर जोर देना मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, चाहते हैं कि बच्चे बच्चे को इल्म हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने मुआशरे को कैसे तब्दील किया। एमक्यूएम लंदन का टारगेट किलर कमर टेडी जनूबी अफ्रीका में फायरिंग से हलाक, कमर टेडी कराची में भद अमनी का मास्टरमाइंड और बानी एमक्यूएम का करीबी साथी था। और स्पेन में आम इंतखाबात, 98% वोटों की गिनती मुकम्मल, हुक्मरान सोशलिस्ट पार्टी 120 नशस्तों के साथ सबसे आगे, दाएं बाजों की जमात पॉपुलर पार्टी 87 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद, वॉक्स पार्टी 52 नशस्तों के साथ तीसरे नंबर पर, हुकूमत बनाने के लिए 176 नशस्तों की जरूरत, मुअल्लिक हुकूमत बनने का इम्कान, दो पाकिस्तानी उम्मीदवार भी इंतखाबात में कामयाबी हासिल न कर सके। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रोज न्यूज।